सात टीम बदलने वाले हैं अपने कप्तान, वहीं पे पांच टीम्स उसी कप्तान के साथ जाएगी प्रो कबड्डी सीजन 11 में। कौन सी टीम कैप्टन चेंज करेगी, कौन सी टीम उन्हीं कैप्टन के साथ फिर से भरोसा दिखाने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आइए इस वीडियो में कप्तानों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते सबसे पहले सैम कैप्टन के साथ, जो टीमें हैं वो फिर से उन्हीं प्लेयर को कप्तान बनाएगी। तो सबसे पहली टीम होगी बंगाल वॉरियर्स की टीम। प्रो कबड्डी सीजन 10 में बंगाल वॉरियर्स के कप्तान मनिंदर सिंह थे एंड पिछले काफ़ी सीजन से कप्तान मनिंदर सिंह ही रहते आ रहे एंड मनिंदर सिंह वन सेकेंड पीकेएल 11 में बंगाल वॉरियर्स के मोस्ट लाइकली कप्तान होंगे। अब किस तरीके से होंगे, सबसे पहले बंगाल वॉरियर्स की टीम इनको रिलीज करेगी हाई प्राइस के कारण एंड FBM कार्ड बंगाल वॉरियर्स के पास होगा, FBM कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा एंड अपने टीम में वापस लेने के बाद अगेन इनको कप्तान बना दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं पिछला सीजन भी सेम ऐसा ही हुआ था, इनको रिलीज़ किया था 2.12 करोड़ में बिकने के बाद भी बंगाल की टीम ने FBM कार्ड का इस्तेमाल किया, तो इस बार इससे कम ही बिट जाएगा एंड या वही होने वाला है, इन पे FBM कार्ड का इस्तेमाल होगा एंड इस बार हेड कोच हो गए प्रशांत सुर्वे। दूसरी टीम की बात करते हैं तो दूसरी टीम है गुजरात जायंट्स की टीम। गुजरात जायंट्स के कप्तान पीकेएल 10 में थे फजल अत्राचली एंड वंस अगेन गुजरात जायंट्स की टीम इनको नहीं जाने देगी। इनका किस हिसाब का रोड मैप होने वाला है, सबसे पहले इनको रिलीज किया जाएगा, फिर वंस अगेन इन पे FBM कार्ड का इस्तेमाल होगा एंड जब टीम में वापस आ जाएंगे तो इनको कप्तान बनाया जाएगा। पिछले ऑक्शन में गुजरात की टीम ने 1.60 करोड़ में खरीदा था एंड इसी के कारण इनको रिलीज किया जाएगा एंड काफ़ी अच्छे चॉइस यहां पे देते हैं। गुजरात जायंट्स की टीम को पीकेएल 10 में एलिमिनेटर तक ले गए थे एंड कोच राम मेहर सिंह इनको जाने नहीं देगी, इन पे जाएगी एंड इनको कप्तान बनाएगी। अनलेस इनके माइंड में कोई और प्लान चल रहा होगा कि इस प्लेयर पे कप्तान बनाया जा सकता है, ये अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं क्या मोस्ट लाइकली फजल अत्राचली होगे। अब बाकी टीमों के बारे में बात करें इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ पीकेएल 11 का ऑक्शन अनाउंसमेंट अब बहुत ही ज़्यादा करीब है, कभी भी अनाउंस हो सकता है एंड ना ही सिर्फ ऑक्शन, जितने भी अपडेट्स आएगी कबड्डी के वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। दो तरीके हैं ज्वाइन करने के, आपके स्क्रीन पे दोनों ही तरीके शो हो रहा होगा। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हो, लेफ्ट साइड पे शो हो रहा होगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो पहले लिंक पे क्लिक करके एंड राइट साइड पर टेलीग्राम पे सर्च करके @sportsnews7 सर्च करके जो टेलीग्राम चैनल दिखेगा उस पर क्लिक कीजिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कबड्डी के हर एक अपडेट आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तीसरी टीम की बात करते हैं, तीसरी टीम पिछले सीजन की फाइनलिस्ट हरियाणा स्टीलर्स की टीम है। प्रो कबड्डी में पहली बार ऐसा हुआ कि दो खिलाड़ी एक टीम का कप्तान हो एंड को कैप्टन्स यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया प्रो कबड्डी में हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा। दो कप्तान थे जयदीप दहिया एंड मोहित नांदल एंड ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया, हरियाणा की टीम फाइनल में गई एंड क्रेडिट यहाँ पे कोच को भी देना पड़ेगा मनप्रीत सिंह एंड वंस अगेन मुझे लगता है कि यही कोच होने वाले एंड ये सेम स्ट्रैटेजी के साथ फिर से जाएंगे। दोनों ही प्लेयर्स रिटेन वैसे तो होने ही वाले, तो वंस अगेन जयदीप मोहित या फिर कोई एक खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाएगा। चौथी टीम की बात करते हैं, चौथी टीम है सीजन 9 की चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम। जयपुर पिंक पैंथर्स के कप्तान थे पिछले सीजन सुनील कुमार एंड आप कह सकते हो कि अभी करंट इंडियन कबड्डी प्लेयर में वन ऑफ द बेस्ट कप्तान है सुनील कुमार एंड सीजन 9 में जयपुर को चैंपियंस भी बनाया, सीजन 10 में सेमीफाइनल्स तक गई एंड वंस अगेन मुझे लगता है कि कोच संजीव बालियान इनको रिटेन करेंगे एंड इनको कप्तान बनाएंगे प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए। पांचवी टीम की बात करते हैं, पांचवी टीम है डिफेंडिंग चैंपियंस पुनेरी पल्टन की टीम। पुनेरी पल्टन के कप्तान कौन थे, असलम इनामदार, पीकेएल 10 के विनिंग कैप्टन असलम इनामदार मुझे लगता है कि रिटेन हो गए एंड अगर रिटेन हो गए तो वंस अगेन इनको कप्तानी का जिम्मेदारी फिर से दिया जाएगा एंड ये होगा कि फिर से ट्रॉफी उठाए एंड असलम इनामदार नो डाउट कप्तान हो गए पुनेरी पल्टन के पीकेएल 11 में। ओके, सो अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं, अब बात करते हैं उन टीमों के बारे में जो कप्तान बदल सकते हैं। सबसे पहले टीम है बेंगलुरु बुल्स की टीम। पीकेएल 10 में बेंगलुरु बुल्स के कप्तान सौरभ नंदल थे एंड ये अच्छा वर्क नहीं किया। सीजन 10 में बेंगलुरु बुल्स की टीम 8वें रैंक पे एंड की एंड आप कह सकते हो कि काफ़ी चीज़ गलती किया, बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहे थे एंड मुझे लगता है कि इनका अच्छा ऑप्शन हो सकता है सुरजीत का, सुरजीत सिंह के साथ जा सकती है बेंगलुरु बुल्स की टीम, इनको रिटेन करेगी या फिर कोई नए प्लेयर्स को दिया जा सकता है कप्तानी एंड कप्तान एंड वाइस कप्तान बेंगलुरु बुल्स की टीम मुझे लगता है कि चेंज करेगी।
अगली टीम साउथ की टीम है जो कि है तमिल थलाइवास की टीम। तमिल थलाइवास के कप्तान पीकेएल 10 में थे सागर राठी। एंड तमिल थलाइवास का कैंपेन पिछले सीजन इतना भी अच्छा नहीं गया, 9वें रैंक पे तमिल थलाइवास की टीम ने एंड किया था। प्रो कबड्डी सीजन 9 में अगर आपको याद होगा कि पहले पवन सहरावत कप्तान थे, फिर उनको हटा के फिर जब रूल आउट हो गए तो सागर राठी बने, एंड जब वो इंजरी के कारण बाहर थे तो अजिंक्य पवार थे। तो अजिंक्य पवार एक अच्छे ऑप्शन हो सकते या फिर कोई एक अच्छा प्लेयर को ऑक्शन में खरीद के उनको कप्तान बनाया जा सकता है। एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा अगर सागर राठी के साथ फिर से जाते। अब देखते क्या होता है, अभी इस बार नए हेड कोच जय उदय कुमार है एंड स्ट्रेटेजी कोच धर्मेराज चलराथन है, तो देखते किन प्लेयर्स के साथ जाते। मोस्ट लाइकली सागर राठी हो सकते या फिर नए प्लेयर के साथ जा सकती है। अब वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्रिकेट गली फैंटेसी चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको क्रिकेट के फैंटेसी टीम्स बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। एंड ना ही सिर्फ फैंटेसी टीम्स, आपको यहाँ पे डेली मैचेस के प्रेडिक्शन भी देखने को मिल जाएंगे बेस्ट एक्यूरेसी के साथ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, चेकआउट कर लीजिए अभी तक आपने क्रिकेट गली फैंटेसी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो। अगली टीम की बात करते हैं, 8वीं टीम है दबंग दिल्ली की टीम। एंड दबंग दिल्ली की टीम कप्तान बदल सकती है। कौन थे कप्तान पिछले सीजन? नवीन कुमार थे। एंड नवीन कुमार का पिछला साल अच्छा नहीं गया था, इंजरी के कारण नवीन कुमार नहीं खेले, कुछ मैचेस ही खेले, 6 से 7 मैचेस। एंड उनके बाद जो जिम्मेदारी थी कप्तानी का वो आशु मलिक को दिया गया। एंड ना ही सिर्फ कप्तानी को अच्छे तरीके से इन्होंने निभाया, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा दिया है। एंड आप कह सकते हो कि अगर नवीन कुमार ऑक्शन में दबंग दिल्ली के टीम में नहीं गए तो आशु मलिक एक ऑप्शन हो गए, मोस्ट लाइकली आशु मलिक या फिर नवीन कुमार ही हो गए दबंग दिल्ली के कप्तान पीकेएल 11 में। अगली टीम है यूपी योद्धास की टीम। यूपी योद्धास के कप्तान थे पीकेएल 10 में प्रदीप नरवाल। एंड आप कह सकते हो कि जब से प्रदीप नरवाल यूपी में आए हैं बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। स्टार्टिंग के सीजन 8 में तो सही था, सीजन 9 में भी आप कह सकते हो कि सब सही चल रहा था, लेकिन सीजन 10 प्रदीप नरवाल के लिए अच्छा नहीं गया। एज अ प्लेयर आप बात करो या फिर एज अ कैप्टन भी बात करो, 11वें रैंक पे यूपी योद्धास की टीम ने एंड किया। एंड मुझे नहीं लगता कि प्रदीप खुद चाहेगी कि मैं कप्तान बनूं या फिर प्रदीप नरवाल चाहेगी कि कोई नई टीम इनको मिले। एंड यूपी योद्धास की टीम भी ये कह सकती है कि कोई नए प्लेयर को चुनने वाली है या फिर नीतीश कुमार के साथ जा सकती है, अब देखते क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदीप नरवाल कंटिन्यू नहीं करेंगे एज अ कैप्टन अगर यूपी उदास की टीम से फिर से खेले पीकेएल 11 में। अगली टीम है यू मुंबा की टीम। यू मुंबा के कप्तान थे पीकेएल 10 में सुरिंदर सिंह। एंड यू मुंबा का कैंपेन अच्छा नहीं गया था, 10वें रैंक पे एंड किया था। एंड आप कह सकते हो कि बहुत सारा एरर्स यहाँ पे हुए, कुछ प्लेयर्स अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किए, रिंकू शर्मा भी बाहर हो गए इंजरी के कारण, फिर उनका सर्जरी हुआ। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई नए प्लेयर के साथ जा सकती है। आपके पास गुमान सिंह का भी ऑप्शन है, अगर आप गुमान सिंह के साथ नहीं जाते हो तो कोई और एक्सपीरियंस प्लेयर को ऑक्शन में खरीद के उनको कैप्टन बना सकते हो, लेकिन सुरेंद्र सिंह मुझे लगता है कि अच्छे ऑप्शन नहीं है एज अ कैप्टन। अगली टीम की बात करते हैं, अगली टीम है पटना पायरेट्स की टीम। पटना पायरेट्स की टीम ने पिछले सीजन अपॉइंट किया था नीरज कुमार को एज अ कैप्टन। एंड नीरज कुमार ही कप्तान थे पीकेएल 9 में, पीकेएल 10 में वंस अगेन कप्तान बने, लेकिन वैसा अच्छा नहीं गया कैंपेन। फिर पता चला कि इंजरी के कारण बाहर हो गए तो इनको हटा के सचिन तन्वर को कप्तान बनाया गया। एंड अच्छे तरीके से पटना पायरेट्स की टीम ने सचिन तन्वर के अंडर परफॉर्मेंस दिखाया। एंड मुझे लगता है कि सचिन तन्वर अच्छे ऑप्शन हो गए वंस अगेन पटना पायरेट्स के कप्तानी के लिए। एंड पटना पायरेट्स के कप्तान हो गए सचिन तन्वर प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए मोस्ट लाइकली। आखिरी टीम की बात करते हैं तो आखिरी टीम है तेलुगु टाइटंस की टीम। तेलुगु टाइटंस की टीम ने पिछले सीजन कप्तान अपॉइंट किया था पवन कुमार सहरावत को। एंड तेलुगु टाइटंस का कैंपेन वैसा ही गया जैसे पिछले 2-3 सीजन से चलते आ रहा है, पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे एंड किया। एंड मुझे कम ही लग रहा है कि पवन सहरावत तेलुगु टाइटंस में वापस आएंगे, कोई और टीम इनको खरीद सकती है। एबीएम कार्ड का मुझे नहीं लगता कि इस्तेमाल किया जाएगा। एंड अगर पवन नहीं आते तो कोई नया खिलाड़ी ही हमें तेलुगु टाइटंस का कप्तानी में देखने को मिलेगा, अब देखते वो कौन सा खिलाड़ी होगा। सो गाइस, ये थे सभी टीम्स के कप्तान के ऊपर चर्चा, कौन सी टीम सेम कप्तान के साथ जा सकती है, कौन सी टीम कप्तान बदलने वाली है, ये मेरे राय थे। आप अपने जो थॉट्स है वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड कल वीडियो आया था सभी टीम्स के रिटेन प्लेयर्स के ऊपर, उस वीडियो में सभी टीम्स के बारे में बात किया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड राइट साइड पे प्रो कबड्डी सीजन 11 के ऑक्शन में कौन से 10 बड़े खिलाड़ी ऑक्शन में हो गए वो वाला वीडियो देखने के लिए आप राइट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं उसे वीडियोस में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।